चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हाँ, वो तो लैट्रिन गए थे, वहाँ से क्यों फोन कर रहे? ओए, कहीं पानी ना खत्म हो गया? हेलो हेलो जी, पानी खत्म हो गया क्या? मैंने वाटर टैंकर मंगवाने के लिए फोन नहीं किया है। ये आपकी आवाज को क्या हो गया है? कौन बोल रहा है? हाँ, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मेरी अमजद से बात करवाएं? ना तुम अमजद को कैसे जानती हो? अरे आपको इससे क्या, अमजद से बात करवाएं। ना तू है कौन? आप कौन है? मेरा नाम प्रवीण है। मुमताज माँ जी। हाँ, मेरी माँ का नाम ना मुमताज है। अरे आप मेरी अमजद से बात करवाएं? नहीं, पहले बता कि तू है कौन। मैं उनकी मंगेतर हूँ। हाय, उन्होंने मंगनी कर ली है? हाँ, परसों ही हमारी मंगनी हुई है। आप अमजद की खाला बात कर रही हैं? मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। क्या? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी कोई बीवी भी है। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया होगा कि उनकी 3 साल की बेटी भी है। बेटा माजी। हाँ, उनकी बेटी का बेटा भी है। क्या बोल रही हैं आप? मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल। मैं छोड़ूंगी नहीं उस धोखेबाज को। तुझसे पहले तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फोन रख तू है। क्या हुआ मोमू? बाहर निकले। अरे क्या हुआ यार, वॉशरूम में तो सुकून का सांस लेने दो। ये लड़की कौन है? अरे लड़की नहीं, लड़का है हमारा बेटा सोना। मैं इसकी बात कर रही हूँ। अरे किसकी? वो जो अभी फोन पर थी। अरे फोन पर कौन थी? फोन पर तो मैं थी। अरे तुम तो मेरी बीवी हो मोमू। झूठ मत बोले मुझसे, सच सच बताए मुझे। अरे तुम ही मेरी बीवी हो यार। न परसों आप कहाँ थे अमजद? महमूद नहीं, आप कहाँ थे? अरे परसों तो मैं सारा दिन घर पे ही था यार। तो फिर वो लड़की ये क्यों कह रही थी है? अरे कौन सी लड़की, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मोमू। अच्छा रुको, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। ओहो क्या बात है मोमू, अरे यहाँ भी सुकून का सांस नहीं लेने दे रही हो तुम। 2 मिनट हद हो गई है। खूबसूरत माँ जी। नहीं खूबसूरत में नहीं, असलम ने। कौन असलम? कोई मेरा मियाँ असलम हो, और कौन है? आपने दूसरी शादी कर ली है माँ जी? हाँ, तो तेरी पहली शादी के साथ ही तो मेरी दूसरी शादी हुई थी। तो आप इसलिए रो रही हैं? नहीं, फिर आए मेरे मियाँ ने दूसरी मंगनी कर ली है। लेकिन उन्होंने पहली मंगनी कब की थी? हाँ ये भी ठीक है, तो उन्होंने पहली मंगनी कर ली है। आपको कैसे पता चला माँ जी? हाँ, उस लड़की का फोन आया था ना, तो उसने मुझे खुद बताया। क्या बताया उसने? यही कहा वो मेरे मियाँ की मंगेतर बोल रही है। झूठ बोल रही होगी माँ जी, कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई होगी। मेरे मियाँ ऐसे नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनका सिर्फ चक्कर चल रहा होगा उस लड़की के साथ। हाँ? दफा करें माँ जी, आपको बुड्ढों की कमी है क्या? चुप है, मुझे मेरा शोर वापस चाहिए। वैसे सारा कसूर आपका ही है माँ जी, आप ही ने सर पे चढ़ाया हुआ उन्हें। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ पुत्र? जो मैं कहूंगी आप वो मानेंगी? हाँ बोल ना। आप ना महमूद साहब को इग्नोर करना शुरू कर दे। तो इग्नोर करने से क्या होगा? अरे उन्हें भी पता चले ना कि अगर उन्हें आपकी जरूरत नहीं है तो आपको भी परवाह नहीं है उनकी। और एक और बात। हाँ हाँ बोल। यही कि उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता है कि उन्हें नहीं पता कि हमें सब पता है, समझी? पता नहीं। अरे मोमो, अकेले अकेले खा रही हो, मुझे भी तो खिलाओ। चल पुत्र प्लास्टिक। माँ जी मेरे लिए भी तो ऑरेंज ले ले। अरे कहाँ जा रही हो मोमो, ये तुम मेरे साथ सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे? सैटेलाइट लैटरिन नो कॉल, कॉल लेटर। आलू मिया आलू मिया, कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। महमूद साहब, यार आपने मजीद बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? यार तुम्हारी माँ मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। लानत भेजे यार तुम्हारी माँ पे। नहीं, ऐसी शादी पे। छोड़े माँ जी को। अरे
तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है? उनकी परवाह है मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप उन्हें छोड़े। नबील, वो मुझे इग्नोर कर रही है यार। महमूद साहब प्लीज यार, मुझे डिस्टर्ब मत करें। आप देख नहीं रहे मैं अपनी प्यारी सी चांदी के साथ खेल रहा हूँ? तुम भी मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी, चांदी चलो वो सुनाओ। अलूमिया अलूमिया कहाँ गए नबील, तुम ये लॉक कब ठीक कराओगे यार? कल ठीक करा लूंगा, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? यार महमूद साहब ये ठीक नहीं कर रहे। जानू, महमूद साहब को लॉक ठीक करना कब आता है? लॉक की बात नहीं कर रही यार। फिर वो माजी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो मेरी माँ के साथ? यार वो माजी को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या? हाँ। फिर बेवकूफ तो महमूद साहब हुए ना यार। कर लो तुम मजाक, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। कैसे जानू? महमूद साहब जैसे। नहीं जानू, मैं तो काफी हैंडसम हूँ। तुम भी और मर्दों की तरह घटिया और छिछोरे हो। मैं सिर्फ लालची और कमीना हूँ। ठीक कहा तुमने। अरे तफा करो जानू, बड़े दिन हो गए हमने प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं की। शट अप नबील। हाँ ये हुई ना बात, जाओ जाके शांति करने के आओ। ओके जानू। मैं माजी बोल रही हूँ। माजी आपने मुझे फोन क्यों किया है? ओए क्यों, तुझे बुरा लगा है? नहीं माजी, मेरा मतलब है कि अगर आपने मुझसे बात करनी थी तो आप कमरे में आ जाती। और तुझे नहीं पता जमीला, अगर हम दोनों को किसी ने इस तरह बातें करते हुए देख लिया ना तो मेरे मिये को मेरे ऊपर शक हो जाना है। हाँ अब हम इसी तरह छुप छुप के ना फोन पे बातें किया करेंगे। ठीक है माजी। मोमो ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता कि तेरे पास रईस तो नहीं है ना? कौन रईस माजी? तेरा शौहर रईस। उसका नाम नबील है माजी। अच्छा, अरे आप फिक्र ना करें, खुल के बात करें, मेरा शौहर इस वक्त कमरे में नहीं है। What happened, बाबा? अरे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे बता देंगे। ठीक है मैम साहब, आप रोए, मैं बड़ा होने जा रहा हूँ। तुम क्यों रो रहे हो नबील? महमूद साहब, मेरे कानों ने आज वो सुनाया जो पहले कभी नहीं सुना था। क्या नौकरी की कॉल आई है? नहीं, महमूद साहब खूबसूरत किसी से चुप चुप के फोन पे बातें करती है यार। अरे यार ये अमीर बाप की बेटियां होती ऐसी हैं। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? यार नबील, मैंने बिना तुम्हारी माँ को छुप छुप के किसी से फोन पे बातें करते सुना है। मैं मूसा खबरदार, जो आपने मेरी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे तुमने भी तो अभी बताया ना कि तुम्हारी बीवी भी किसी से फोन पे बात करती है। ये भी तो हो सकता है उसने किसी को भाई बनाया हो यार। हाँ यार, इन दोनों का कोई भाई भी तो नहीं है। हाँ भाई से क्या बातें कर रही होंगी नबी? नहीं महमूद साहब, मुझे लगता है कि ये और से बातें कर रही थी यार। लग तो मुझे भी यही रहा है यार। अब हम क्या करें? अरे अब हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। रंग करते हुए? अरे नहीं, रंग रलियां करते हुए। खूबसूरत मामो। बात सुने माजी। हाँ बोल तो तेरे। तैयार होना है किस चीज के लिए माजी? आप तैयार हो के महमूद साहब के सामने जाए? अच्छा हाँ ना, अच्छा सा तैयार हो के जाए और उन्हें तड़पाएं। फिर आप घर से बाहर चली जाए। हाँ माजी, जितना इग्नोर करेंगी उतना ही उन्हें आपकी कदर होगी। और प्लीज ऐसा तैयार होइएगा कि आप थोड़ी जवान नजर आए। अब तो देख लो कि मैं करती क्या हूँ। ओके बाय बाय हाय।
हाय, इधर तो खुद कलामी हो रही थी, मुझसे बात कौन कर रहा था। अरे मोमो, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्यों आपको वो हो रही है? वो क्या? मुझे ज्यादा खाने की बहुत होती है। उल्टी? ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है आपको, जलते हैं आप। हाँ हाँ, आपको जलन हो रही है। अरे मुझे क्यों जलन होगी भाई? तो फिर हट जाए मेरे रास्ते से रफाकत। तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? ना मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं वॉक करने पार्क जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। जी नहीं, आपके साथ पार्क जाने से ना लोग ये सोचेंगे कि इतनी प्यारी लड़की ने एक बुड्ढे से शादी कर ली। क्या? हाँ। फिर तुम सोने को साथ लेकर जाओ। चुप। मोमो, क्या हुआ महमूद साहब? यार नबीर, तुम्हारी माँ लड़कियों की तरह तैयार होकर पार्क में गई है। माँ जी इस वक्त पार्क में क्यों गई हैं? अरे उसी फोन वाले से मिलने गई होगी। तो महमूद साहब, आप उनके पीछे क्यों नहीं गए? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अगर तुम्हारी माँ ने मुझे वहाँ देख लिया और उस फोन वाले से पिटवा दिया तो? यार कैसे बुजदिल शौहर हैं आप, अपनी बीवी से डरते हैं? अरे अगर तुम मेरी जगह होते। होते क्या बल्कि हो, तो तुम क्या कर लोगे? अरे मैं तो अपनी बीवी के मुंह को तो थप्पड़ लगाऊंगा और घर बिठा दूंगा उसे। वो जो तुम उसके मुंह पर लगाओगे वो थप्पड़ होंगे? वो थप्पड़ नहीं होंगे, तो थप्पड़ होंगे। जी माँ जी। पुत्र शुमेला, मैं घर भूल गई हूँ। माँ जी मेरा नाम खूबसूरत है। नहीं नहीं, मैं तेरा नाम नहीं भूली हूँ, घर का रास्ता भूली हूँ। ये क्या कर दिया आपने माँ जी? ना पुत्र, तू मुझे आके यहाँ से ले जा ना, लोग अजीब अजीब नजरों से मुझे देख रहे हैं। माँ जी आप कहाँ इस वक्त? पुत्र मैं ये दरख्त के पास हूँ। कौन से दरख्त के पास माँ जी? हाँ एक मिनट होल्ड कर। ओ भाई, ओ सूखे वाले भाई, इधर आना। ये किसका दरख्त है? ये मुराद साहब का। अच्छा थैंक यू। हाँ पुत्र, मैं मुराद के दरख्त के पास खड़ी हूँ। अरे माँ जी मुझे कोई निशानी बताए ना यार। ना निशानी कैसे बताऊँ, मैंने तो मुराद को कभी देखा ही नहीं। ओह अच्छा माँ जी, आप वहीं रुके, मैं आती हूँ। चल ठीक है फिर, मैं ना तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ये दरख्त है मेरे साथ, चल ओके। अच्छा मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। किसका फोन था? किसी का नहीं। कहाँ जा रही हो? मैं जरा काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। देखो खूबसूरत, मुझे पता है तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कि मैं जानू अपने पापा से बोलो कि एक और शादी कर लें और तुम्हें एक भाई दे दें। क्या बकवास कर रहे हो नबील, हटो मुझे देर हो रही है। खूबसूरत खूबसूरत, यार नबील ये मोमो अभी तक घर नहीं आए। मैं क्या करूँ यार? नबील मेरी अपनी बीवी घर से चली गई है और आपको अपनी बीवी की पड़ी हुई है। क्या खूबसूरत घर छोड़ के चली गई है? नहीं वो किसी से मिलने गई है। क्या? हाँ यार ये हमारी बीवियां क्या गुल खिला रही हैं। माँ जी ये आप तोहफा किससे ले आई हैं? पुत्र मैं ये शहाब के लिए लेकर आई हूँ। कौन शहाब? शहाब मेरा मियाँ। माँ जी आपका मियाँ दूसरी औरतों के साथ चक्कर चला रहा है और आप उसके लिए तोहफे खरीद के ला रही हैं। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। कोई जरूरत नहीं है तोहफा देने की माँ जी। ठीक है पुत्र, मैंने कोई नहीं देना तोहफा और मैं बताऊंगी भी नहीं कि ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। वेरी गुड, अब एक काम करें आप अंदर जाएं, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। क्यों भाई? ताकि किसी को शक ना हो ना कि हम दोनों साथ थे। अच्छा बशे। और माँ जी ये तोहफा छुपा कर लेके जाइएगा कमरे में। हाय तू फिकर ही ना कर शकीला। खूबसूरत? हाँ तू खूबसूरत ही ना कर शकीला। मामा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाय आपने कैसे देख लिया? आंखों से। कहाँ से लाई हो ये तोहफा? किसने दिया है ये तोहफा? क्या कह रहा है तुमसे ये तोहफा? बताओ मुझे मोमो। मैं नहीं बताऊंगी, फिर कौन? महमूद। हाँ बेशक आप महमूद से पूछ ली। तुम्हें बताना पड़ेगा मोमो कि किसने दिया है ये तोहफा। चुप है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता नबील। किसे? अरे तुम्हारी माँ को। अरे किसी से तोहफा लेकर आ गई है। महमूद साहब मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि माँ जी को साल में एक आधा तोहफा दिला दिया करें, मगर आप सुनते गए। अरे चुप करो,
मैं अब तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। तो महमूद साहब फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। बस उस औरत को यहाँ से निकाल देंगे। महमूद साहब वो मेरी माँ है। अरे माँ ऐसी होती है? ओ चुप कर यार महमूद साहब, मुझे अपनी बीवी की पहले क्या कम टेंशन है कि आपकी बीवी की भी टेंशन लूं मैं। खूबसूरत कहाँ गई थी? मैं काम से गई थी नबील। झूठ बोल रही हो तुम। नबील किससे मिलने गई थी तुम? What? इंग्लिश बोल के मुझे चुप कराने की कोशिश मत करो। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किससे मिलने गई थी। क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अच्छा? हाँ अच्छा शौहर, लेकिन तुम अच्छी बीवी नहीं हो। चल अब नबील। बस खूबसूरत बस, बहुत हो गया। तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इतनी हिम्मत है तुम में? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहती हो? हाँ। बाहर लाउंज में आओ, यहाँ जगह कम है। मैं क्यों लाउंज में आऊँ? तुम जाओ। ओके मैं जा रहा हूँ लाउंज में, 5 मिनट बाद तुम भी आ जाना। ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। नहीं महमूद साहब, आज तक मैंने अपना गुस्सा बर्दाश्त किया है, अब नहीं करूंगा। अरे तो फिर क्या करोगे तुम? वही करूंगा जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अरे तो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? पढ़ के बता देना यार। अरे मुझसे अली इमरान की लिखाई नहीं पढ़ी जाती। और राणा तू ही बता दे यार स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। मोमो खूबसूरत आ जाए। क्यों क्या है? मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो ईमानदार और शरीफ बीवी बन के रहना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैंने अपने कानों से खुद सुना है। क्या सुना है तुमने? तुम छुप छुप कर किसी आदमी से बातें करती हो। हाय क्या? हाँ तुम उसे ये भी कह रही थी कि खुल कर बात करो, मेरा शौहर अभी कमरे में नहीं है। बोलो जवाब दो। नबील वो तुम्हें माँ जी से बात कर रही थी यार। क्या? हाँ माँ जी फजूल में आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, नबील चक कर रहा है मुझ पे। बताएं उसे कि मैं आपसे बात कर रही थी। ले मैंने तुझसे कब बात की है भाई? माँ जी चल हट बगैरत, मैं तो तुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती। खबरदार जो मुझ पे झूठा मोह लगाया हो तूने तो। अरे झूठा इल्जाम कैसा, मैंने तो खुद तुम्हें किसी से फोन पे बातें करते सुना है। खबरदार जो आपने मुझ पे वो किया हो, फोन तो मैंने भी सुना है आपका। हाँ आपकी मंगेतर शुमेला का। अरे मैं किसी शुमेला को नहीं जानता भाई। झूठ मत बोले, उसने मुझे खुद बताया कि वो अमजद की मंगेतर है। अरे कौन अमजद? आप और कौन? अरे मेरा नाम महमूद है यार। हैं? हाँ हाय तो फिर वो अमजद कौन है जिसने उस लड़की से मंगनी की है? माँ जी ये क्या कर दिया आपने? हा? मुझे और मेरी बीवी को लड़वा दिया माँ जी, सॉरी जानू। शराब नबील। चल यार चल उस पार चल तूने।